हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, इसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के, अनुवांशिकी और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। टॉपिक यही था हमारा, यही चैप्टर था। तो इसके अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि जैसे जेनेटिकली जो करेक्टर्स होते हैं वो जीवों के अंदर कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, जेनेटिक्स हमारा हो चुका, हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, विकास के बारे में पढ़ रहे थे कि जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो ऐसे उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, विकास को प्रेफरेंस देती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे जाति उद्भवन के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पढ़ना है कि स्पेशलाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम उसको नाम देते हैं, ये क्यों बोला जाता है उसको, जीवों के अंदर वो कंडीशन जो है किस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। क्या बोलते हैं, जाति उद्भवन। सबसे पहले तो हम जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मतलब होता क्या है, इसके अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जीवों की जो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और तब हम बताएंगे कि ये क्या है, ये जाति उद्भवन है, इसको हम जाति उद्भवन कहते हैं। देखिए, हम आप एक चीज़ खुद देखते हैं, आप एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर आप कभी भी देखिए तो कोई भी दो जीव है ना वो एक जैसे नहीं होते, सभी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो अलग होती है, सबके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अलग होते हैं, उसका कलर, सब कुछ चीज़ जो होती है जीवों की वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे ऐसी जातियाँ से उनके अंदर जिसे समान लगा लीजिए वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कौन कर सकते हैं, मतलब जिनके अंदर जनन करने की क्षमता होती है, जो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जैसे संतान पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे जो जीव होते हैं उनकी जैसे जनसंख्या है, पौधों है, प्राणियों की, तो ये जो सभी जीवों की जो पूरी संख्या है एक तरीके की, जैसे कोई भी चीज लगा लीजिए, जैसे फसल है, कोई भी फसल लगा लीजिए, फल लगा लीजिए, जानवर लगा लीजिए, वो सब प्राणी क्या रंग रूप में, आकार में, सब कैसे होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या पाया जाता है, डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। एक ही जाति के सदस्य जो हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वे भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो नई जातियाँ हैं वो अलग जो जातियाँ हैं उनसे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, जाति उद्भवन। नई जातियों का वर्तमान जातियों से विकास होता है, उससे विकसित होती है, क्योंकि एक वर्ड देखिए, जाति उद्भवन, इसका कहने का मतलब है, उद्भवन मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, और जाति मतलब जाति का, समष्टियों का, व्यष्टियों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें कि जाति उद्भवन किसको बोलते हैं, तब आपको बताना है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें, देखिए, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत हमेशा से चला आ रहा है कि जो जीव होगा वो अपने टाइप की उसी टाइप के संतान क्या करेगा, पैदा करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने क्या बताया डेफिनेशन में कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, नई जातियों का किससे होना, नई संतति पैदा होती है किससे होती है, जो पुरानी संततियां उससे। और यहां पे जाति उद्भवन में हम जो वर्तमान के अंदर जो जातियां हैं उन जातियों का उनसे क्या होना, विकास होना, का वर्तमान जातियों से क्या होना, विकसित होना,
ये क्या होता है, जाति उद्भवन होता है, मतलब उत्पत्ति तो हो रही है लेकिन किससे हो रही है, जो नई संतति पैदा होगी, नई जातियां जो उससे उत्पन्न होंगी वो कैसे होनी चाहिए, जो वर्तमान जातियां उनसे विकास होना चाहिए। और ये चीज तो होती ही है, हमारे परदादा थे, परदादा से फिर दादाजी, दादाजी से पापा, और पापा से फिर हम, तो ये क्या चलता आ रहा है, एक तरीके से जीव से जीव की उत्पत्ति हो रही है, नई जातियां क्या उत्पन्न होते जा रही हैं, और किनसे उत्पन्न हो रही हैं, जिनके अंदर जनन की क्षमता है। हमने ऐसे बोला कि सभी जातियां जो हैं उसके अंदर क्या होता है, समान टाइप के जो लोग होंगे उसमें क्या होता है, समान जो स्पीसीज होती हैं उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये वर्ड कहने का क्या मतलब है, मतलब एक आध चीज देखिए कि जंतु होगा ना वो अपने जंतु जाति के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब जंतु में हम भी आते हैं, कुत्ता बिल्ली शेर वो सब आते हैं, वो अपने ही जाति के लोगों से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और वो रिप्रोडक्शन वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या पैदा करनी है, नई संतान पैदा करनी है, ठीक है। तो जो समान टाइप की जातियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। मतलब वो कैसे हैं, किस टाइप से, वो जो फर्टाइल संतान है, संततियां जो है उनको क्या कर सकते हैं, ये उत्पन्न कर सकते हैं, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, संततियों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जनन की क्षमता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उस प्रोसेस के काबिल हैं ये, ठीक है। और इसी तरीके से इनके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने बोला, तो अब जो रिप्रोडक्शन किया है, तो सीधी सी बात है कि जब रिप्रोडक्शन किया है तो इसका मतलब नई संतति पैदा होगी, और जो नई संतति पैदा होगी तो मतलब जीवों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, जीवों की जनसंख्या जाती, अब हमने यहाँ पे बोला ना कि संततियां उत्पन्न होती, तो आपको पता है ये जो वर्ड है ना हमने यहाँ पे यूज लिया, ये आप सभी के लिए यूज ले सकते हो। कैसे, जैसे हमने बोला कि बहुत सारी जातियां हो सकती है, ठीक है, संतति जाति, इसकी जाति की अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी हो सकती है, वो पौधों की भी हो सकती है और प्राणियों की भी हो सकती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी की हो सकती है, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन की क्षमता है, पर वो प्रोसेस जो है वो सबके अंदर होती अलग अलग तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि यहाँ पे होना तो क्या है, उत्पन्न तो जातियां ही होनी है, ये चीज तो आप भी जानते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे हमने बोला कि नए जीवों की उत्पत्ति होती है, जो प्राणी होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपके लेना चाहिए, जैसे अगर आप कंफ्यूज हो, जैसे हमने बोला कि वो जो जाते हो प्राणी पौधों दोनों की हो सकती है, तो वो चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए इसमें कोई फसल भी हो सकती है, गेहूं है पूरा, जैसे गेहूं धान, तो आ रहा है आपको समझ में, मैंने समझाया, जो आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोज को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और लगातार वीडियोज को देखते रहिए। ठीक है, ये हमने बताया कि वो पौधे प्राणियों की क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उनका संख्या में ज़्यादा होना ही तो विविधता है, ठीक है। अब इसका हम क्या देख रहे हैं कि वो किसके भी हो सकते हैं भाई, जीव जंतु भी हो सकते हैं, फसल के भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, हमने क्या ले लिया, जैसे गेहूं है, धान है, किसी के लगा लीजिए, मान लीजिए फल आम है, पेड़ लगा लीजिए नीम है, कमल एटसेट्रा, ठीक है। तो इस टाइप के जो जीव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने टाइप की संतति से रिप्रोडक्शन करते हैं। आपको पता है इस बात का, जो मान लीजिए कुत्ता है अपनी ही जाति से क्या करेगा, अपनी जाति के सदस्यों से रिप्रोडक्शन करता है, अपने ही जैसे संतति क्या करता है, पैदा करता है। मनुष्य है, मनुष्य से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संतति क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला ये स्पेशिएशन कि नई जातियों का उद्भव वर्तमान जातियों से, तो ये सब क्या करते हैं, अपनी ही जाति के समान जातियों से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है।
जैसे कोई भी मानव प्राणी लगा लीजिए, उनके अंदर आप एक चीज बताइए, सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, सभी का रंग रूप आकार कद हर चीज क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं, भाई एक ही जाति के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो अलग भी हो सकते हैं। एक जाति के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वे परस्पर, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक ही जाति के, सेम स्पीसीज, एक ही जाति के सदस्य क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि वो क्या कर सकते हैं, एक ही जाति के सदस्य जजन कर सकते हैं और अपनी संततियां पैदा कर सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर जातियों से जातियों की उत्पत्ति हो रही है, वर्तमान जातियों से नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन बोलते हैं, उसको जाति उद्भवन बोलते हैं। ठीक है, अब तो आ जाएगा समझ में। इसमें क्या होता है कि जीव रिप्रोडक्शन करते नई संततियां बनाते, मतलब नई जातियां बनती हैं, और दो जातियों की जनसंख्या का अलग तरीके से उनके अंदर अलग अलग तरीके से क्या होता है, विभाजन होता है, अलग अलग ग्रुप में क्या होता है, उनका विभाजन होता है। ठीक है, अब वो जातियां एक साथ रह पाते नहीं पाते, वो चीज अलग है। क्योंकि आप भी देखिए कि अगर मान लीजिए हम प्लांट्स की बात करें, जैसे एक ही जाति के प्लांट्स, आप खुद देखिए सभी चीज एक जगह नहीं पाई जाती, दूर दूर अलग अलग पाई जाती है, कोई प्रजाति कहाँ पाई जाती है, कोई प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो इसीलिए पाई जाती है क्योंकि वो पैदा तो हो गए हैं एक जैसे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पे पहुंच गए। जैसे आप ऐसे लगा, जो बीजाणु से रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी है 7th, 8th, 9th में, तो वो क्या होते हैं, बीजाणु एक जगह इकट्ठे से रहते हैं, वो उड़ करके कहीं पहुंच के गिर गए मान लीजिए, तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे वो गिर जाते हैं तो वो एक ही जगह पे उगते नहीं है। अगर वो एक जगह पे उगे तो बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पे हो जाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, हवा से उड़ के दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए उसकी प्रजातियां सब जगह फैल जाती हैं। इसी तरीके से मान लीजिए प्लांट्स जो है वो एक ही जाति के हैं, ठीक है, वो एक ही जगह उगे हैं, पहाड़ हो गया, बीच में अगर कोई मान लीजिए आंधी तूफान, तो इस कारण से पराकण वगैरह बीजाणु सब कैसे पहुंच गए, दूर दूर पहुंच गए, और जब वो दूर दूर पहुंच गए हैं तो क्या होगा, मतलब एक दूसरे से वो अलग हो गए, है प्रजाति सेम, पेड़ पौधों के लगा लीजिए, जीवों के लगा लीजिए, मान जी ऐसे आप जैसे फिल्मों में देखते होंगे जुड़वा भाई होते हैं, किसी कारण से वो दूर हो जाते, अब वो दूर तो हो गया बचपन में, लेकिन है तो वो उसी जाति का, उसी का भाई। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होती है कि उत्पत्ति जाति की जाति से हो रही है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है जिसके कारण से वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि आपके आज का जो क्वेश्चन होगा, वो आपका जो आज का क्वेश्चन है वो आप ये बताना है, देखिए हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6th to 12th का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6th to 12th के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।